दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए गेहूँ के आटा से पेड़ा बनाने की रेसिपी। दोस्तों ये पेड़ा बनाना बहुत आसान है, 10 मिनट में हम पेड़ा बनाकर आप लोग से बतलाऊंगी और एकदम खाने में सुपर टेस्टी स्वादिष्ट हमारा पेड़ा बन करके दाना वाला तैयार होगा। दोस्तों इन्हें बनाएंगे तो कोई भी नहीं बता सकता है ये आप गेहूँ के आटा से घर पर पेड़ा बनाए हैं। दोस्तों एकदम मार्केट में जैसे खोआ का पेड़ा मिलता है ना, उस तरीके से हम घर पर इजी तरीके से बनाकर बतलाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारे फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा ये रेसिपी। दोस्तों हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही हमें खोआ चाहिए, सिर्फ गेहूँ का आटा से 2 चम्मच घी में हम ये पेड़ा बनाकर बतलाऊंगे आप लोग से। आप कोई भी त्यौहार पर रक्षाबंधन में दोस्तों इन्हें बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा के रसोई में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं रखी हूँ गेहूँ के आटा। ये गेहूँ के आटा से पेड़ा बनाएंगे दोस्तों एकदम आसान तरीके से, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम आटा यहाँ पर छान लियो दोस्तों, छान कर लेना है हमें आटा। यहाँ पर आप कोई भी कटोरी से आटा ये नाप करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन में रख लेंगे आटा और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके घी। और यहाँ पर घी डालने से दोस्तों ये होगा एकदम दानादार हमारा पेड़ा बन करके तैयार होगा। दोस्तों यहाँ पर घी डाल करके अच्छा से इन्हें मिक्स करना है दोस्तों, एकदम अच्छा से। इससे क्या होगा, एकदम दानादार हमारा पेड़ा बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा से घी मिक्स कर ली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चम्मच जितना हम दूध डालेंगे और दूध डालकर भी अच्छा से हम हाथ से मिक्स करेंगे। यहाँ पर कोई भी गुठलियाँ ना रह पाए दोस्तों, दूध डालिएगा तो दोनों हाथ से अच्छा से इन्हें मसल सकते हैं, नहीं तो एक हाथ से मसल जाए तो एक हाथ से मसल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एकदम भुरभुरा हमें बना लेना है, देखिए इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें अब भून लेते हैं। भूनने के लिए गैस पर रखी हूँ कढ़ाई दोस्तों। अब यहाँ पर हम घी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ये जो मिक्स किए हैं ना इस तरीके से हम डाल देंगे ये सारा, और लगातार चलाते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। इन्हें भूनने के लिए दोस्तों 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अच्छा से चलाते हुए लगातार हमें भूनना है। देखिए यहाँ पर एक भी गुठलियाँ नहीं है दोस्तों, और एकदम गोल्डन होने तक, इनका कच्चापन निकल जाए, अच्छा से गोल्डन हो जाए तब तक चला करके हमें भूनना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छा से इनका कलर चेंज हो गया है, देखिए इस तरीके से हो गया है ये, अच्छा से भुना गया है। जब भुना जाएगा तो एकदम इनका जो सुगंध है एकदम पूरा घर में फैल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं दोस्तों 1 चम्मच सत्तू भर करके, जो चना का सत्तू आता है ना वही है। तो यहाँ पर अगर आप पूजा के लिए बना रहे हैं तो सत्तू स्किप कर लीजिएगा, और यहाँ पर 1 चम्मच भर करके बेसन डाल लीजिएगा दोस्तों। चना का जब सत्तू डालते हैं, जब ले आते हैं बाजार से, तो उसमें नमक रहता है दोस्तों, जब भुना जाता है ना चना तो उसमें नमक डालकर भूनते हैं। तो यहाँ पर आप कच्चा वाला जो चना का बेसन आता है वो डाल सकते हैं पूजा के लिए, और खाने के लिए ऐसे ही बना रहे हैं तो यहाँ पर सत्तू डाल सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत सुपर टेस्टी हमारा पेड़ा बन करके तैयार होगा। तो इन्हें हम क्या करेंगे, अच्छा से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम दोबारा डाल देंगे 1 चम्मच घी, और घी डाल करके अच्छा से इन्हें हमें मिक्स करना है दोस्तों। जब आप यहाँ पर बेसन डालिएगा दोस्तों, जब आटा डाले थे ना उसी टाइम में डालिएगा तो अच्छा से भुना जाएगा आटा के साथ में, और यहाँ पर सत्तू डालना है तो अच्छा से जब हमारा ये आटा भुना जाएगा तब सत्तू डालना है दोस्तों, क्योंकि उस भुना हुआ पिसा जाता है चना। अब यहाँ पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार पिसा हुआ चीनी। तो यहाँ पर 1 कटोरी में आटा रखी थी, उसी कटोरी से आधा कटोरी पिसा हुआ चीनी डाल रही हूँ दोस्तों, और डाल करके अच्छा से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में 2 मिनट के लिए अच्छा से इसी में हम इस तरीके से भूनेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर अच्छा से भुना गया है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, गैस पर से नीचे उतार लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, और अच्छा से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में अच्छा से इन्हें थाली में निकाल करके रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इन्हें। दोस्तों अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। पर देखिए हाथ से छूने लायक ये हो गया है, तो अच्छा से दोनों तरह से इन्हें हम अच्छा से मिक्स करेंगे दोस्तों, जो भी गुठलिया होगा ना वो अच्छा से मिल जाएगा और भुरभुरा हो जाएगा। इसी में हम डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची कूटा हुआ, इससे बहुत सुपर टेस्टी एकदम स्वादिष्ट हमारा पेड़ा बन करके तैयार होगा। अब इन्हें हम डाल करके अच्छा से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अभी यहाँ पर दोस्तों ये गर्म है, तो गर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध। यहाँ पर अभी ज़्यादा दूध नहीं डालना है दोस्तों, जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे हमें लगेगा जो हो गया है तो दूध हम नहीं डालेंगे, और लगेगा जो ये नहीं हुआ है तो 1 चम्मच हम और दूध डालेंगे। अब यहाँ पर हम डाल करके अच्छा से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पेड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा, जैसे मैं पहले भी दूध डाल करके मिक्स की थी
और यहाँ पर बाद में भी मैं दूध डाली हूँ, तो यहाँ पर 4 चम्मच दूध मैं डाल दी हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अच्छा से इस तरीके से हम बना कर ये देखेंगे, अच्छा से ये देखिए लड्डू की तरह बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम दूध नहीं डालेंगे, ये एकदम परफेक्ट हमारा हो गया है। तो चलिए अब इन्हें हम पेड़ा भी बना लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से बनाइए, एकदम कोई भी फैमिली को देंगे खाने के लिए तो कोई भी नहीं बताएगा कि आप गेहूँ के आटा से घर पर पेड़ा बना। यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा आप जिस साइज से बनाना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ, तो इस तरीके से गोल कर लेंगे, हाथ से चपटा कर लेंगे दोस्तों। और जो भी ये किनारे किनारे दरार आ रहे हैं तो गोल गोल हम नचा लेंगे। अब यहाँ पर कोई सा भी शेप देना चाहते हैं, कोई सा भी डिजाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बोतल का जो होता है ना ढक्कन, उसी से मैं दाब करके बना रही हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से हम सारा पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से गोल करना है सबसे पहले, उसके बाद में चापुट करना है, और उसके बाद में हम किनारा इनका अच्छा से बना लेंगे, और उसके बाद में हम ढक्कन से इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से, तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है, एकदम दानेदार, एकदम जैसे खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। इस तरीके से रक्षाबंधन में भी बना सकते हैं, पूजा के लिए भी बना सकते हैं दोस्तों। पूजा के लिए बनाइएगा तो चना के सतुआ मत डालिएगा दोस्तों, चना के बेसन डालिएगा, क्योंकि चना के सतुआ में नमक रहता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोग से बतला रही हूँ। अगर आप घर पर बनाने खाने के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर चना के सतुआ ये डाल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमारा पेड़ा बन करके तैयार हो गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पिस्ता से सजा देंगे। यहाँ पर आप बादाम, नारियल, जो भी आपके पास में हो, काजू, उससे सजा सकते हैं। ये एकदम सुपर टेस्टी हमारा एक कटोरी आटा से ढेर सारा पेड़ा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट कर जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ढेर सारा फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों ये रेसिपी। और इन्हें बनाना बहुत आसान है, और देखिए इस तरीके से मैं हाथ में दिखा रही हूँ दोस्तों, कोई भी नहीं बताएगा जिसे आप गेहूँ के आटा से बनाए हैं। एकदम सुपर टेस्टी, खाने में स्वादिष्ट हमारा पेड़ा बन करके घर पर तैयार होगा कम समय में और कम सामान से। दोस्तों ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ढेर सारा शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर चलिए एक मैं पेड़ा तोड़ कर भी आप लोग से दिखा देती हूँ ये कैसे तोड़ने पर लग रहा है ये, तो बनाइए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और मैं तोड़ करके मिक्स कर करके दिखा रही हूँ। देखिए एकदम दानादार दोस्तों बना है। देखिए देखने से नहीं लग रहा है दोस्तों जो हम पेड़ा ये आटा से बनाए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से रेसिपी एक बार बनाइए और खाइए, इसे आप रक्षाबंधन पर भी बनाइए, पूजा के लिए भी बनाइए दोस्तों। और इस तरीके से जब भी मीठा खाने का मन हो जब भी बनाकर खाइए, तो बना करके बच्चों को खिलाइए, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है दोस्तों। तो इस तरीके से बनाइए और खाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और इस तरीके से पेड़ा बना करके और कब बना रहे हैं दोस्तों मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा।